हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके। देखो, आप लोग को पता है कि हमारे एग्जाम जो है, वो सीए का हो चाहे सीएमए का हो, ये हमारे एग्जाम पोस्टपोन होके आगे चले गए हैं। हमारे सीए वाले बच्चे, चाहे वो फाउंडेशन को हो, चाहे इंटर के हो, चाहे फाइनल के हो, उनका ये जो मई अटेम्प्ट था वो कैंसिल हो चुका है। अब वो नवम्बर अटेम्प्ट में जाके मर्ज हो जाएंगे। इसका मतलब होता है कि जो भी कुछ आपने फीस अभी पे किया होगा, एग्जामिनेशन फीस चाहे कुछ भी, वो सब कुछ क्या होगा, अगली बार आपका ऐसे ही काउंट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात कि आपका अटेम्प्ट भी ये काउंट नहीं किया जाएगा, और आपका कोई एग्जामिनेशन अगर है तो एग्जामिनेशन एज इट इज वो अगली बार फॉरवर्ड किया जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि आपका हमारे इस ICI के अंदर मई में ये एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना है। कुछ फीस अगर आपने पे किया एग्जामिनेशन फीस, वो एज इट इज आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कुछ सवाल आपके दिमाग में उठते हैं, आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा भी है, मैं उसका जवाब आज देने के लिए आया हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे सीएमए वाले बच्चे हैं, उनके साथ क्या स्ट्रेटजी होगा, वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, उसका भी एक सजेशन मैं दे रहा हूँ, करना आपने खुद है। इसलिए मैंने दोनों का लिख दिया कि आप किस स्टेज में हैं और आपको क्या अब करना चाहिए ताकि टाइम प्रॉपर तरीके से आपका यूज हो। देखो, पहले मैं बात करता हूं अपने सीए वाले बच्चों का। सीए अगर आप फाउंडेशन में हैं और आपने मई अटेम्प्ट की तैयारी कर ली है, मतलब जो बीत चुका, जो कैंसिल हो चुका, कैंसिल नहीं बोलूंगा, पोस्टपोन हो गया अब नवंबर में आपका एक्चुअली, तो अगर आपने क्या किया है कि अगर इसकी पूरी तैयारी कर ली है, तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अपने इंटर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी आपका ये जुलाई का महीना की शुरुआत हुई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके एग्जाम होंगे, मतलब लगभग 4-4.5 महीने का टाइम पीरियड है। इतने टाइम पीरियड में अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से पहले से सीए फाउंडेशन का रिवीजन कर लिया है, आपने स्टडी कर लिया है, तो उसको 4 महीने क्या रिविजन करोगे, कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है सीए फाउंडेशन की, और आप श्योर हो कि हम पास करेंगे ही करेंगे, तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि फाउंडेशन के जो पेपर्स हैं उसका पर डे 1 घंटे का आप टाइम डिवोट करो उनके रिवीजन पे। आज आपने 2 पेपर का रिवीजन कर लिया, कल आपने बाकी 2 पेपर का, किसी एक चैप्टर का, फिर आप आगे बढ़े। रिवीजन भी कैसे करना जी, जो आपने नोट्स बनाया हुआ है, आपने जो नोट्स बनाया हुआ है आप उससे रिवीजन कीजिए। हर एक चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस करते हैं, सारे क्वेश्चन रिवीजन के टाइम पे हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कोई भी 1-2 क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगता है आप उसको हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर हम क्या करते हैं कि अब आपका उसको बाकी क्वेश्चंस को बस नोट्स में पलटते हैं कि हाँ जी हमने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। अगर आप कुछ भूल गए हो इनकेस, तो आप वीडियो लेक्चर्स में जाके उसको दोबारा एक बार रिविजन कर लो। आप ये बेस्ट तरीका होता है रिविजन करने का। अगर आप ऐसे रिविजन करते हैं तो ये आप एंड तक, मतलब एग्जाम तक पता नहीं कितनी बार रिविजन कर लेंगे। ये रिविजन करने का तरीका हमारे सिर्फ फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए नहीं है। फाउंडेशन में है आप, इंटर में हो, चाहे फाइनल में हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सीएस, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये सबको यही फॉलो करना चाहिए बच्चे। ये तरीका हम लोगों ने भी फॉलो किया, आपको भी रिवीजन करने का यही तरीका होता है। खैर, मैं अब मेन पॉइंट पे आता हूं। मैंने कहा कि अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम के तैयारी कर रहे थे और तैयारी आपकी हो चुकी है, तो अब ये टाइम वेस्ट करने के बजाय आप इंटर फर्स्ट ग्रुप का कोई भी 2 पेपर, आपकी मर्जी, कोई भी 2 पेपर आप उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, है ना। ताकि आपका अगर नवंबर तक में मान लो कि फाउंडेशन निकल गया, तो अगला जो इंटर का एग्जाम होगा आप वहां पे या तो 2 ग्रुप के लिए आप तैयार हो जाएंगे देने के लिए, या फिर फर्स्ट ग्रुप 1 ग्रुप भी देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी रहेगी और पकड़ मजबूत रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके दिमाग में भी निगेटिव चीजें नहीं आएंगी कि यार कोरोना हो गया, पता नहीं जिंदगी चलेगी कि नहीं चलेगी, इस सब बातें सोचने का आपको उस टाइम नहीं होगा। आप अपना मेहनत करते चले जाएंगे, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कौन से 2 सब्जेक्ट होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप सोचे कि यहाँ पे कौन सा 2 पेपर, आप उन्हीं पेपर की तैयारी शुरू करना जिनमें जनरली चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे कि आपका लॉ है, आपका इनकम टैक्स है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो आपका बच गया कॉस्टिंग और अकाउंट्स, आप इनमें से 2 पेपर या कोई 1 पेपर की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए बताया। जो बच्चे सीए इंटर ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे थे, ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे थे, उनको तो अब अगर लगता है कि ग्रुप 1 की तैयारी मेरी हो चुकी है तो ग्रुप 2 पे प्रोसीड कर जाना चाहिए, ग्रुप 2 की तरफ, क्योंकि मेरे बच्चे नवंबर अटेम्प्ट के टाइम पे आपको दोबारा फॉर्म फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ग्रुप 1 का एग्जाम देना चाहते हो या 1 एंड 2 दोनों देना चाहते हो।
तो अगर आप कहते हो कि मुझे दोनों, तो फिर दोनों का आप दे सकते हैं। जो एडिशनल फीस होगा आपका कुछ और भी अगर इंस्टीट्यूट लेता है तो फिर वो पे करके आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तो मेरे कहने का मतलब कि ग्रुप वन की तैयारी हो चुकी है, बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, ग्रुप टू पे अब लग जाओ। ग्रुप टू पे अगर आप सिर्फ ग्रुप टू का पेपर दे रहे थे तो ग्रुप वन पे लग जाइए, अगर आपका अभी तक ग्रुप वन क्लियर नहीं हुआ था तो। मतलब अगर प्लानिंग एक ग्रुप का था तो फिर आपको इस तरीके से करना चाहिए। अगर आपका सीए इंटर का ग्रुप वन निकल चुका है, सीए इंटर का ग्रुप वन निकल चुका है और ग्रुप टू की तैयारी कर रहे थे आप, या ग्रुप टू निकल चुका है वन की तैयारी कर रहे थे, तो मेरे बच्चे आपके पास अब कोई ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है आपको। तो फिर आपको जो है उसी को और बेस्ट तरीके से बनाओ और आप श्योर कर लो कि अगला जो एग्जाम होगा हम उसमें पास करेंगे करेंगे। फाइनल की तैयारी शुरू करना ये किसी भी तरीके से फायदेमंद आपके लिए भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली अभी 3 साल का आर्टिकलशिप आपका ट्रेनिंग होगा, उसमें बहुत लंबा गैप होता है, हम वहां पर प्लानिंग कर लेंगे। हाँ, कुछ एडिशनल कोर्सेज जैसे कुछ कंप्यूटर के अच्छे कोर्सेज आपका, जिसमें आपका कमांड नहीं है, जो आगे आपका यूज होगा भविष्य में, आप उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। टैली हो गया, एक्सेल हो गया, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, है ना, आप अपने मुताबिक आप उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अल्टीमेट मोटिव है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें और फिर काम को आगे बढ़ाएं। क्लियर यहां तक? अब मैं आता हूं अपने सीएमए वाले बच्चों के पास। सेम चीज, अगर आप फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे थे जून में और आपको लगता है कि यार अब मतलब जून भी गुजर गया, मैं बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो गया, अब हमारा एग्जाम कहां चला गया है, आपका सितंबर में एग्जाम शिफ्ट होकर कहां चला गया, सितंबर में, तो अब मैं क्या करूं, क्या उसी का रिवीजन करूं या फिर मैं इंटर की तैयारी शुरू कर दूं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप फाउंडेशन को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ उसमें होता नहीं पढ़ाने के लिए, तो आप इंटर की तैयारी शुरू कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड है तो। नो डाउट कि आपको भी क्या करना है, पर डे बेसिस पे 1-2 घंटे फाउंडेशन का रिविजन और बाकी टाइम इंटर का कोई भी 1 या 2, चारों नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं चारों नहीं, कोई भी 1 या 2 पेपर जिसमें चेंजेस नहीं आते आप उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, ये फाउंडेशन वाले बच्चों की बात। अगर आपकी तैयारी फाउंडेशन की नहीं हुई है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है जी, अभी हमें कहीं इधर उधर नहीं जाना, हमें ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है इसमें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करके हम फाउंडेशन को क्लियर करेंगे, इस बात को इंश्योर करेंगे, फिर हमें किसी चीज की पढ़ाई नहीं करनी, किसी और मतलब इंटर की पढ़ाई नहीं करनी। जो बच्चे हमारे इंटर ग्रुप वन का एग्जाम दे रहे थे और वो पूरी तरीके से इंटर ग्रुप वन की तैयारी कर चुके हैं, तो अभी जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर आएगा और पता नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सितंबर में भी एग्जाम होंगे या नहीं होंगे इसका कोई भी अभी मतलब उस पर एक्सपेक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है। जो हमारे देश में अभी सिनेरियो चल रहा है मेरे बच्चे, कोरोना, ये तो बदमाश ऐसा भी हो गया कि पता नहीं कैसे कैसे नाम अब दिमाग में आने इसके शुरू हो चुके, कोरोना का। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप मान लो इंटर ग्रुप वन की तैयारी अच्छी तरीके से कर चुके हैं, टाइम वेस्ट मत करो, ग्रुप टू के कोई भी 2 पेपर की तैयारी शुरू कर दो, 2 पेपर। ग्रुप वन का रिविजन आपको ग्रुप वन में रिविजन में कम से कम 2 से 2.5 घंटे देने हैं। रिविजन वैसे ही करना जैसे मैं वीडियो क्लास में हमेशा बताता हूं, या अभी भी मैंने आपको बताया हुआ है कि सीए वाले बच्चे कैसे रिविजन करेंगे, सेम तरीका आपको भी फॉलो करना है। और बाकी टाइम पीरियड में ग्रुप टू के किसी 2 पेपर की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपका सितंबर में एग्जाम हो गया तो भी अच्छी बात है, ग्रुप वन का पूरा आपका रिवीजन है जी। अगर श्योर हो गया कि सितंबर में एग्जाम होने वाला है तो 15-20 दिन पहले आप ग्रुप टू की तैयारी को बंद कर देना और ग्रुप वन का रिवीजन को और फास्ट कर देना, अच्छे तरीके से एग्जाम देना, आप पास कर जाएंगे। और मजे की बात है कि ग्रुप टू का भी कुछ आपका ऑलरेडी आप तैयारी कर चुके हैं, सितंबर के बाद जो बाकी बचा हुआ चीज होगा या बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स होंगे आप उनकी तैयारी करके अगले दिसंबर में एग्जाम देने के लिए आप प्रॉपर तरीके से एलिजिबल होंगे। इवन सितंबर में एग्जाम कैंसिल भी हो जाता है तब भी आपको दिक्कत नहीं है, ग्रुप वन के पूरा आप पढ़ाई कर चुके हैं, आप रिविजन भी कर रहे हैं एंड ग्रुप टू की तैयारी जितनी आगे बढ़ गई है उसको और आगे क्या कहते हैं कंटिन्यू करके दिसंबर में दोनों ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हो जाए।
मेरा सिर्फ ये मकसद है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके पास इतने खाली समय ना बचे कि मैं सोचूं यार कि पता नहीं क्या होगा, कोरोना के बाद जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, कहीं कोरोना हमारे नाक के अंदर में मुंह में घुस गया, या कोरोना कैसे कैसे घुसता है, हवा के संपर्क में आने से भी कोरोना होता है तो कैसे उड़ के हमारे पास आएगा। इन सब पे समय को व्यर्थ बर्बाद करने से अच्छा है कि हम इसको प्रोडक्टिविटी के साथ यूज करें, प्रोडक्टिव यूज करें और हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। ये फालतू की बातें हैं, इन पे क्या सोचना है और क्यों सोचना, लाइफ है आगे। मैं तो कई बार आपको बता चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि जब भी कोई समय हमें मिलता है, अच्छा चाहे बुरा, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बेस्ट तरीके से प्लानिंग कीजिए, आगे बढ़े। कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर इस खाली टाइम पीरियड में मैं क्या करूँ, लॉजिक ही नहीं बनता, खाली टाइम पीरियड कहाँ है। अभी आप तो अभी इंटर या फाउंडेशन के बच्चे हैं, जो बच्चे फाइनल वाले हैं ना, मैंने उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया, लेकिन जो बच्चे फाइनल वाले हैं, चाहे यहाँ के हो चाहे यहाँ के हो, वो फाइनल वाले बच्चे भी क्या करेंगे, सेम स्ट्रेटजी जो इंटर वालों के साथ है वो आप यूज कर सकते हैं और यूज करना भी चाहिए, वो आपको यूज करना भी चाहिए क्योंकि आपके साथ भी सेम सिनेरियो आपका है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रोडक्टिव टाइम को आप यूज करें, आपको निगेटिव थॉट्स को नहीं लाने देना है और आप थोड़े और एनर्जेटिक होते हुए आगे की तैयारी करें। हम प्रोफेशनल बच्चे हैं, हमारा एक एक दिन प्लानिंग के साथ शुरू होता है और एक एक दिन प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है काम करते हुए एक्चुअली, ठीक है ना। तो आप उस चीज को करें और लाइफ को एंजॉय करें। इनकेस कुछ दिक्कत होती है, कुछ और भी सवाल आपके होते हैं तो डाउट सेशन के टाइम पे आप मुझसे अपना फोन कॉल करके चाहे मैसेज करके आप मुझसे अपनी बातें पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए हूँ एंड हमेशा आपके लिए हूँ। ये सारी बातें मेरी सिर्फ एक सजेशन है, करना क्या है क्या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेस्ट जज जो जज होता है अपने आप के लिए खुद होता है, आप जजमेंट लें और आगे बढ़ें। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। हैप्पी स्टडी बच्चे, हैप्पी स्टडी।